ओके जी, ओके गाइस, आज जो हम पढ़ेंगे कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा था यही था कि बेसिस फॉर ट्रेड वो क्या हो सकती हैं, और ट्रेड का ग्रोथ के साथ नेक्सस हमने देखा था कि ट्रेड लेड ग्रोथ क्या होती है, हाउ ट्रेड इफेक्ट ग्रोथ और ग्रोथ इफेक्ट ट्रेड, जो भी था ये हमने इसको देखा था। नाउ दिस इज रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी, कि आप जो ट्रेड पॉलिसी वगैरह जो बनाते हैं उसको किन बेसिस के ऊपर जो है वो ट्रेड पॉलिसी आपकी होती है। तो जो ट्रेड पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट की होती है उसका जो सबसे पहला और मेजर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो टैरिफ्स होता है। टैरिफ्स का मतलब होता है कस्टम ड्यूटी, यहाँ पर टैरिफ से मतलब हम एक ही चीज लेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट हियर लर्निंग गोल्स। ये तो जाहिर है कि यूजुअल जिस तरह से होता है कि इसमें जो लर्निंग गोल्स है आपके, जो आपको यहाँ पर समझाना है वो ये है कि इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स का मतलब है कि डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, एंड प्रोड्यूसर्स का मतलब ये है कि जो इम्पोर्ट इम्पोर्टेबल जो गुड्स है या जो एक्सपोर्ट की जा रही होती है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है इसकी प्रोडक्शन के ऊपर। कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द टैरिफ ऑन स्मॉल एंड लार्ज नेशन, के जो बेनिफिट है या कॉस्ट इसका जो भी है ये टैरिफ का, वो नेशन टू नेशन जो है वो और इकोनॉमी टू इकोनॉमी डिफरेंट होता है। तो हम उसमें देखेंगे कि अगर उसको दो ब्रॉडर कैटेगरी में करें नेशंस को या कंट्रीज को, कि लार्ज कंट्री एंड स्मॉल कंट्रीज, तो उसमें से फिर हम बताएंगे आपको कि जनाब ये किस में ज़्यादा किसका इम्पैक्ट किस तरह से होता है और किस में ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके जी, देन व्हाट इज़ ऑप्टिमम टैरिफ, रिलेशंस, रिटेलिएशन एंड उसके अलावा जो है आपका मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, ये भी इंशाल्लाह हम इसके अंदर देखेंगे इसको। ओके जी, इंट्रोडक्शन ये आपको मैंने बता दिया सबसे पहले कि फ्री ट्रेड मैक्सिमाइजेज वर्ल्ड आउटपुट एंड बेनिफिट्स ऑल नेशन, मोस्ट नेशन इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कि हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं अब तक उन सब में यही है कि जो फ्री ट्रेड है उसकी वजह से आपका ग्रोथ भी होगी और उसकी वजह से आपका वेलफेयर में भी इजाफा होगा। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड जो है या ट्रेडिंग कमोडिटी या फ्लो ऑफ ट्रेडिंग कमोडिटी जो है वो फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ बैरियर्स उसके ऊपर हैं, और उसमें सबसे जो बड़ा बैरियर होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर होता है वो आपका टैरिफ बैरियर्स हैं वो। ओके अच्छा जी, उसके अलावा जो है इसका ऐसा नहीं होता कि सिर्फ नुकसान ही हो, कभी कभी इसका हमें टैरिफ लगाने का उसका फायदा भी होता है। तो वो कौन सी वजूहात होती हैं एंड व्हाट आर द स्पेशल रीजन व्हेन जो आपकी ये जो टैरिफ पॉलिसी उसका जो है एक मेजर इंस्ट्रूमेंट होती है आपकी ट्रेड पॉलिसी का, उसका हम एनालिसिस सर, करेंगे। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को की सेफ करने के लिए हम टैरिफ लगाते हैं ना जी हाँ बिल्कुल, दिस इज ज्यादातर, तो ये जी, जस्टिफिकेशन होते हैं। हाँ, ये दिस इज वन ऑफ दी आई मीन एक जस्टिफिकेशन है या एक एक रीजन हो सकता है बहुत सारे रीजंस के अंदर से, लेकिन मेजर रीजन अमूमन यही होता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम टैरिफ लगा रहे होते हैं। ओके जी, टैरिफ को हम जब ट्रेड के टैरिफ की बात करेंगे तो जाहिर है कि उसके ऊपर इम्पोर्ट टैरिफ होगा और एक्सपोर्ट टैरिफ होगा। इम्पोर्ट टैरिफ मीन्स कि द टैरिफ इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कमोडिटीज, और यही सबसे ज़्यादा जो है इंपोर्ट पे ही लगाया जाता है, और ताकि इंपोर्ट जो है उसको डिस्करेज किया जाए या उसको कम करने की कोशिश की जाए या किसी हद तक उसको रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर एक्सपोर्ट पे टैरिफ होता है तो जाहिर है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो दूसरा होता है, यानी कि ये है कि आप उस वक्त टैरिफ या टैक्स लगा रहे होते हैं जब ये चीज़ एक्सपोर्ट की जा रही होती है। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाने का मतलब ये है कि आप उसके एक्सपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हैं। क्यों डिस्करेज कर रहे हैं? ताकि ये अगर वो रॉ मटेरियल पे लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रॉ मटेरियल अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फेवर देना चाह रहे हैं कि वो जो है यहाँ के रॉ मटेरियल को यूज़ करें। और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहे हैं एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ, तो इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स है अपने कॉम की या अपनी नेशंस की उसको सबसे पहले फुलफिल करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई यू आर इम्पोजिंग एक्सपोर्ट टैरिफ ऑन दोज कमोडिटीज। ओके जी, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि हाउ मेनी क्या कहते हैं टाइप्स आर देयर फॉर इम्पोजिंग टैरिफ ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जो है वो
एड वैलोरम टैरिफ कहला रहा होता है। तो एड वैलोरम टैरिफ जो है वो परसेंटेज की बेस के ऊपर टैरिफ जो है इम्पोज किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल फोन्स हैं और आप जो मोबाइल फोन जो इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर होगा ये कि जनाब की जितनी भी आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू होगी, यानी कि जो आप वैल्यू बता रहे हैं इसका, उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज होगा। कि फॉर एग्जाम्पल के जनाब के जो भी आप इम्पोर्ट करें उसके ऊपर 20% जो है वो इम्पोर्ट टैरिफ है। तो अगर कोई चीज़ आपने 1,000 रुपए की इम्पोर्ट की है तो उसके ऊपर 20% टैरिफ लग गया, यानी 200 रुपीज़ का जो है 1,000 की चीज़ के ऊपर वो टैरिफ लग जाएगा। तो इस तरह का जो परसेंटेज के बेसिस के ऊपर है उसको हम एड वैलोरम टैरिफ कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कि स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ ये होता है कि फिक्स सम ऑफ पर फिजिकल यूनिट ऑफ ट्रेडेड कमोडिटी। कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कह दिया कि हम मोबाइल फोन्स हम मंगा रहे हैं, तो हमने उसके ऊपर परसेंटेज नहीं लगाया बल्कि हमने 200 रुपीज़ फिक्स कर दिया। अब चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो इस मोबाइल फोन की, हर मोबाइल फोन के ऊपर आपको 200 रुपीज़ ये जो है आपको देना पड़ेगा इसके ऊपर। पाकिस्तान में इसके ऊपर जो है ये सिर्फ एक ही या दो कमोडिटीज़ हैं कि जिनके ऊपर स्पेसिफिक टैरिफ है। स्पेसिफिक टैरिफ हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ पाम ऑयल के ऊपर है कि उसकी जो भी प्राइस हो, लेकिन हम उसको टैरिफ जो है वो एक स्पेशल जो हमने रखा हुआ है हम सिर्फ वही उसके ऊपर इम्पोज कर रहे होते हैं। उसके बाद होता है कंपाउंड टैरिफ। कंपाउंड टैरिफ जो है ये कॉम्बिनेशन होता है एड वैलोरम टैरिफ और स्पेसिफिक टैरिफ का। एड वैलोरम टैरिफ जैसे बताया आपको कि ये परसेंटेज में मेरा होता है। जी स्पेशल टैरिफ से ना एक सवाल पूछना है सर, जैसे ना कि हम लोग कितनी भी क्वांटिटी मंगवा ले, मतलब 10,000 या 1,00,000 जितनी भी क्वांटिटी मंगवा ले, हमें टैरिफ एक अमाउंट ही देना पड़ेगा। हाँ नहीं, ये मतलब ऐसा नहीं कि जितना ही मंगा लें। फॉर एग्जांपल ये कह दिया कि जनाब के पर मोबाइल फोन 2,000 रुपीज़ आपके ऊपर टैक्स है। अब वो मोबाइल फोन भले ही सही वो 1,000 रुपए का आ रहा हो या 1,00,000 रुपए का आ रहा हो, जितने भी फोन आएंगे हर फोन के ऊपर जो है वो 2,000 रुपीज़ टैक्स जो है वो लगेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। कंपाउंड टैरिफ मैंने कहा कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर जो है ये कंपाउंड टैरिफ पहले था, लेकिन ये कंपाउंड टैरिफ अब नहीं है यहाँ पर। और कंपाउंड टैरिफ का मतलब ये है कि जैसे ये सबसे ज़्यादा जो है इंडिया के अंदर इसको सबसे ज़्यादा इम्पोज किया जाता है। वो लोग कुछ इस तरह से कहते हैं कि जैसे स्पेशली उन्होंने टेक्सटाइल के ऊपर लगाया हुआ, कि टेक्सटाइल पे वो ये कहते हैं कि 10% एड वलोरम और इंडियन रुपीज़ 100 पर स्क्वायर मीटर विच एवर इज़ हायर। तो ये जो इस तरह का टैरिफ होता है कंपाउंड टैरिफ, यानी कि एड वलोरम या आपका या तो 10% या 100 रुपीज़ पर मीटर जो है इसके ऊपर टैक्स लगेगा, इसमें से जो भी ज्यादा हो विच एवर इज हायर। ठीक है। तो ये कंपाउंड टैरिफ जो है वो कहला रहा होता है, लेकिन ये कंपाउंड टैरिफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो नहीं है प्रोडक्ट्स के ऊपर, बाकी जगहों पर जो है वो है इस पे। अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर, मैं 1 मिनट ये आप लोग को शेयर करता हूँ स्क्रीन एक। अच्छा जी, मैं एक और आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। 1 मिनट, मैंने कहाँ गया ये। ओके, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, ये पाकिस्तान का जो ये एक इदारा है फेडरल जी बोर्ड सर, FBRC। जी, FBR जो है ये एक्चुअली क्या करता है, ये टैक्स इम्पोज करता है। पाकिस्तान का टैक्स कलेक्टिंग जो है ये इदारा है। तो इसमें आप देखें कि आपको 4 कॉलम नजर आ रहे होंगे, इसमें से ये है इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स या FAT या कस्टम ड्यूटी है। ठीक है। इसमें कस्टम टैरिफ लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको नजर आ रहा होगा इसके ऊपर कस्टम टैरिफ। तो ये जो कस्टम टैरिफ है आपका 30 जून 2021 के ऊपर, ये हमने यहाँ इसको क्लिक किया, ये ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है पाकिस्तान कस्टम टैरिफ की। जी सर, ओके चले ठीक है। अच्छा देखें आप इसके ऊपर ये देख रहे हैं आप इसको जो राइट के ऊपर एक कॉलम ये है कस्टम ड्यूटी एज ए परसेंटेज सब पे लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये सारा का सारा क्या है आपका एडवलोरम टैरिफ है।
ठीक है ना, 3%, 3%, और फिर उसके बाद जो है ये आपका 20% है, 3%, 3%, 3% इम्पोर्ट ड्यूटी है। फिर उसके बाद जो है ये मीट है, जो इसके ऊपर लिखा हुआ मीट के ऊपर जो है हायर ड्यूटी है, और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा हायर ड्यूटी है वो आपका ये जो स्वाइन मीट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ड्यूटी है 20%। फिर उसके बाद सर, ये एक्सपोर्ट टैरिफ है या इंपोर्ट इम्पोर्ट टैरिफ टैरिफ है, ये इम्पोर्ट टैरिफ है, है? ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि मीट एंड एडिबल ऑफल ऑफ द पोल्ट्री, पोल्ट्री के ऊपर जो है जो इस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी है, पोल्ट्री के ऊपर जो है ये देख रहे हैं आप, इससे रिलेटेड जितनी भी है ये सारा का सारा इसके ऊपर ड्यूटी है। अच्छा, मैंने इसके अलावा आपको बताया था कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक ड्यूटी भी होती है, स्पेसिफिक ड्यूटी, एक मिनट मैं ज़रा इसको सर्च करता हूँ। ये आपका हाँ, ये देखें आप, इसके ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये आपको 15 15 के ऊपर, नजर आ रहा है ये? जी सर। हाँ, आप देखें ये जो है ना, ये सारे एडिबल ऑयल है, जैसे पाम ऑयल है, सनफ्लावर सीड, सनफ्लावर कॉटन सीड ऑयल है, इन सब के ऊपर देखें जो है किस तरह से ड्यूटी लिखी हुई है इसके ऊपर, ₹15,000 पर मैट्रिक टन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ड्यूटी हो जाएगी। तो पाकिस्तान ने जितने भी एडिबल ऑयल्स हैं उन सब के ऊपर जो है वो इस तरह की ड्यूटी जो है ये स्पेसिफिक ड्यूटी लगाई हुई है, और बाकी उसके ऊपर जो है ये सब के ऊपर जो है उन्होंने एडवलोरम ड्यूटी जो है ये इसके ऊपर इम्पोज की हुई है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है सबका। बाकी इंडिया का जो है मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता, इसलिए कि मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर अगर आप डॉट इन अगर कुछ लिखेंगे तो फिर वो उस साइट पर जो है वो नहीं जा रही होती। और बिल्कुल इसी तरह से IOBM के अंदर भी है कि अगर IOBM के अंदर मैं मौजूद हूँ और अगर मैं वहाँ पर कोई वेबसाइट खोलता हूँ जिसके ऊपर डॉट इन लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर है ना ये .gov.pk लिखा हुआ है, तो .pk वाला तो खुलेगा, लेकिन अगर .in लिखा जो कि इंडिया का शॉर्ट फॉर्म है उस पर, तो वो जो है साइट नहीं खुलती है वहाँ पर, ठीक है। तो वो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, मैं वो एक उसमें USA में ले आऊँगा तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि वो क्या होती है वो। ओके जी, राइट। अच्छा जी, दोबारा हम यहाँ पर आ जाते हैं, कंपाउंड टैरिफ, ये मैंने कहा था कि मैं आपको बता दूंगा। ओके जी, टैरिफ्स हैव बीन शार्पली रिड्यूस सिंस वर्ल्ड वॉर 2। ये आपको जब मैं WTO वगैरह बता रहा हूँगा तो फिर इंशाल्लाह उसके अंदर बता देंगे कि है क्या इसके ऊपर। तो अब फिर उसके एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा एक जो बताने की कोशिश की गई थी कि पार्शल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है और एक जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। इफेक्ट ऑफ टैरिफ जो है वो क्या हो सकता है, कंजम्पशन इफेक्ट, कंजम्पशन इफेक्ट का मतलब ये है कि उसके डिमांड इफेक्ट एक्चुअली देखा जा रहा है कि रिडक्शन इन डोमेस्टिक कंजम्पशन के टैरिफ की वजह से हम ज़्यादातर यही अज्यूम करेंगे कि टैरिफ लगाने का मतलब ये है कि आप डोमेस्टिक कंजम्पशन को या इम्पोर्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ इम्पोर्टेड आइटम जो है उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं। प्रोडक्शन इफेक्ट क्या होगा कि अगर आप जो है किसी इम्पोर्टेड कुछ आइटम्स के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं ताकि हम उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकें या अपनी डोमेस्टिक को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, ट्रेड इफेक्ट, आप उसके जो कि कम कंजम्पशन इफेक्ट और ट्रेड इफेक्ट तकरीबन एक जैसा ही है उसके ऊपर, कि ये ट्रेड इफेक्ट ही होगा कि आप जो है एक इम्पोर्ट्स को जो है वो डिक्लाइन करना चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हैं कि उसकी इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा हो, उसको डिस्करेज करना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा होता है रेवेन्यू इफेक्ट, कि गवर्नमेंट के पास जो है एक ये एक बहुत बड़ा एक सेक्टर होता है कि जिसके ज़रिए से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही होती है, और ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान के, उनका जो है वो जो फोकस होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर ही ज़्यादा होता है कि वहाँ से टैरिफ को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, क्योंकि वो खुद जो है एक जो जो कंट्री है हम उसको कह सकते हैं कि बींग ए डेवलपिंग कंट्रीज उनके सोर्सेज जो है बड़े लिमिटेड हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो आप उनसे इतना ज़्यादा टैक्स जो है वो
नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल सेक्टर होता है या जो एक्सटर्नल सेक्टर होता है, एक्चुअली हम उसी के जरिए से टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। ओके जी, पार्शियल क्रिमिनल, ये हम इसको थोड़ा सा आगे जो है वो जाते हैं इस पे इसको, लेकिन ये पढ़ते हुए चलते हैं इसको, के रिजल्टिंग इफेक्ट ऑफ टैरिफ, द मोर इलास्टिक द डिमांड कर्व द ग्रेटर कंजम्पशन इफेक्ट, कि जितना ज़्यादा डिमांड कर्व जो है वो इलास्टिक होगा, कंजम्पशन इफेक्ट भी उसके ऊपर ज़्यादा होगा। किस वजह से होगा? डिमांड कर्व इलास्टिक का मतलब ये है कि क्लोज टू हॉरिजॉन्टल या एक्सिस के ऊपर होगा वो। तो अब आप देख लें कि जो इलास्टिक में, इलास्टिक डिमांड क्या होती है कि प्राइस के थोड़े से इफेक्ट की वजह से डिमांड के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो जाहिर है कि टैरिफ लगने की वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो अगर वो इलास्टिक डिमांड कर्व है तो उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। इसी तरह से द मोर इलास्टिक डोमेस्टिक सप्लाई कर्व द ग्रेटर द प्रोडक्शन इफेक्ट, अगर इसी तरह से सप्लाई कर्व है, अगर वो भी क्लोज टू हॉरिजेंटल एक्सिस है और उसके ऊपर आपने जो है इम्पोर्टेड मटेरियल के ऊपर टैक्स लगा दिया और जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइस बढ़ गई है जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे नहीं है, तो उस प्राइस के बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, सप्लाई भी उस रेशो के से ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से सप्लाई के ऊपर जो है वो प्रोडक्शन इफेक्ट जो है वो ज्यादा आएगा। द मोर इलास्टिक डिमांड एंड डोमेस्टिक सप्लाई कर्व द ग्रेटर ट्रेड इफेक्ट एंड स्मॉलर द रेवेन्यू इफेक्ट, उस पर जो है रेवेन्यू इफेक्ट कम आएगा क्योंकि जाहिर है कि अगर जो है डिमांड जो है बहुत ज्यादा इलास्टिक है और आपने प्राइस थोड़ी सी बढ़ाई है जिसकी वजह से डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क आ गया, तो उसकी वजह से रेवेन्यू ज्यादा उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। वो किस तरह से पड़ेगा वो जब हम ग्राफिकल एनालिसिस देखेंगे तो उसके ऊपर हम ये चीज समझ में आएगी। कंज्यूमर सरप्लस, इसमें यही है कि जब जैसे ही आपका जो है वो टैरिफ जब इम्पोज किया जाता है तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ जाने की वजह से आपका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इफेक्ट होता है और वो रिड्यूस हो जाता है, और जबकि प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए कि प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस के बढ़ जाने की वजह से जो है आपका प्रोड्यूसर सरप्लस भी बढ़ जाता है। ये भी हम देखते हैं इसके ऊपर, टैरिफ डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। अच्छा, अब इसके ऊपर जाहिर है कि जब हम कोई टैरिफ लगा रहे होते हैं तो जैसे अभी अभी लाइबा ने बताया था कि हम डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा होता है क्योंकि जाहिर बात है सिर्फ ये नहीं कि उसको अगर हम सॉरी अगर हम उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं, जाहिर उसके वेरियस रीजंस हैं, और वो उसमें से रीजन क्या है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा ग्रो करेगी, जब डोमेस्टिक ज्यादा ग्रो करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब ये है कि ज्यादा जीडीपी और ज्यादा इनकम जनरेट होगी जिसका मल्टीप्लायर एक इफेक्ट होगा और एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से उस मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी और उनकी प्रोडक्शन भी जो है वो बढ़ रही होगी। तो अब क्या है, टैरिफ एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूट, जैसे मैंने बताया कि मल्टीप्लायर इफेक्ट है और उनकी इनकम में इजाफा होता है, बाकी लोगों की भी डिमांड में इजाफा होता है, तो इसका मतलब यह है कि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट जो है दोबारा हो रही होती है। किस तरह से, फ्रॉम डोमेस्टिक कंज्यूमर हु पे हायर प्राइस फॉर द कमोडिटी टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, डोमेस्टिक कंज्यूमर पहले जो है अब बजाय इम्पोर्ट वाले प्रोडक्ट को देने के वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को दे रहा है और वो हायर प्राइस के ऊपर कर रहा है, तो जाहिर बात है उसकी वजह से इनकम उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, फ्रॉम नेशंस अबंडेंट फैक्टर प्रोड्यूसिंग टू द स्केयर्स फैक्टर, और इसी तरह से जो आपका जो अबंडेंट फैक्टर है, क्योंकि हम वो जो है वहां से अब चीजें, क्योंकि जो आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो किसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि जो कि आपकी इंपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है। इम्पोर्टिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है जिसके ऊपर आपको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होता है, उसकी वजह से जाहिर बात है कि वो चीज़ आप इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि उसके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उसके आपके पास स्केयर्स हैं। तो अब यह है कि जब अब क्या हो रहा है कि इसका मतलब यह है कि अब वो फैक्टर्स जो कि अबंडेंट फैक्टर्स हैं वो आपके ट्रांसफर हो रहे हैं एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री से इम्पोर्टिंग इंडस्ट्री की तरफ। ठीक है, तो अब ये इसका होता तो है सब कुछ, लेकिन ये है कि ये क्या होता है कि जिसकी वजह से डेड वेट लॉसेस क्रिएट होते हैं और वो इनएफिशिएंसीज या प्रोटेक्शन कॉस्ट कहला रही होती है। ये आप देखें, ये आपको जो है नजर आ रहा होगा इसके ऊपर,
ये आपकी जो ब्लू लाइन है दिस इज एक्चुअली डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट, और ये आपका जो है सप्लाई है आपकी किसी भी प्रोडक्ट की इसके ऊपर। तो अब आप इसमें देखें कि जो डिमांड है एक्चुअली आपकी वो क्या है, नेगेटिवली स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है। इनिशियली जो प्राइस थी वो वन थी, फॉर एग्जाम्पल ये वन जो आपने लिखा हुआ है, और ये सप्लाई एफ, ये जो एस एफ लिखा हुआ है ये एक्चुअली ये आपकी प्राइस थी। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने क्या किया इसके ऊपर 100% जो है वो टैक्स इम्पोज कर दिया है, तो ये जो है लाइन ऊपर चली गई। टैक्स लगने से पहले जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस था वो देखें, ये जो पॉइंट है जो 4 और 5 के दरमियान है, यहाँ से 1 और ये जो पॉइंट बी है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला पहले कंज्यूमर सरप्लस था। इसी तरह से जो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था, इस प्राइस की वजह से ये बहुत ही थोड़ा सा था, ए पॉइंट सी और ये बिल्कुल आपका जीरो पे आ रहा है इस तरह से, ये छोटा सा ट्राइंगल था जो कि प्रोड्यूसर सरप्लस था। अब हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, टैक्स लगाने की वजह से क्या हुआ कि अब ये इसकी प्राइस डबल हो गई है। ठीक है, ये मैं इसको नेक्स्ट पे देखते हैं जी, ये इस तरह सॉरी इसी पे भी हम आ जाते हैं कि ये टैक्स लगाने की वजह से क्या हुआ, इसकी प्राइस जो है वो बढ़ गई है। अब प्राइस कितनी है, 2 है, इसकी वजह से अब जो ट्राइंगल है वो ये वाली प्राइस हो गई है। ठीक है ना, पूरी जो लाइन है जी से लेके एच और ये एस एफ प्लस टैक्स जो लिखा हुआ है, ये एक्चुअली क्या है आपकी नई प्राइस लाइन है। इस नई प्राइस लाइन के अंदर क्या है, जो आपका जी एच और ये 4 और 5 के दरमियान जो पॉइंट है, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है, और ये कंज्यूमर सरप्लस लॉस है जो ये आपका ये पॉइंट है जी ए और ये पूरी लाइन फिर बी एच, ये इस तरह का जो है ये सारा का सारा आपका कंज्यूमर सरप्लस का लॉस है। ये लॉस जाहिर बात है किसी ना किसी का गेन भी बन रहा होगा, ये किसके पास जा रहा होगा ये हमें देखने की जरूरत है उसके ऊपर। ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि जब ये वाली प्राइस थी तो ये मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा जो है आपका कंज्यूमर लॉस हो गया। ये जो कंज्यूमर लॉस हुआ है ये क्या हुआ, ये आपका एक सॉरी मैं दोबारा ऊपर चला जाऊं ज्यादा बेहतर, ये वाला जो पार्ट है ए सी जे जी, ये कंज्यूमर लॉस जो है जी, आपके अपनी स्क्रीन पे कुछ चेंज कर रहे हैं जी जी, आपको नहीं नजर आ रहा, मेरे पास नहीं आ रहा, बाकी सब लोगों को आ रहा है ये, अब आ रहा है, नहीं जी नजर नहीं आ रहा, अब नजर आ रहा है, कर्सर नजर आ रहे। अच्छा एक मिनट मैं दोबारा करता हूँ, अब नजर आ रहा है जी सर, अब आ रहा है, चले ठीक है सही, वो असल में वो स्लाइड फिगर 8.1 खुली हुई है ना जी जी बिल्कुल ओके जी। तो देखें ये मैं बता रहा था आपको कि ये डिमांड है ये सप्लाई है, और ये जो लाइन है वन जो लिखी हुई ये पहले प्राइस थी, इस पे गवर्नमेंट ने लगा दिया टैक्स, और टैक्स लगाने की वजह से ये 100% टैक्स की वजह से ये प्राइस ऊपर चली गई। तो पहले जो था कंज्यूमर सरप्लस क्या था, ये जो पॉइंट है 4 5 के दरमियान, यहाँ से ये 1 और ये बी, ये पूरा ट्राइंगल था। टैक्स लगाने की वजह से प्राइस बढ़ गई, और प्राइस बढ़ जाने की वजह से अब इसकी डिमांड जो है जो पहले 70 थी अब वो कम होकर कितनी रह गई है 50, और कंज्यूमर सरप्लस जाहिर बात है कि कम हो गया, यह है जी एच और ये जो पॉइंट है आपका 4 5 के दरमियान। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंज्यूमर सरप्लस का ये सारा का सारा लॉस है। पहले प्रोड्यूसर सरप्लस ये था ए सी और ये बिल्कुल जीरो, जिसका आपका जो ये बिल्कुल नीचे वाला ट्राइंगल है ये होता था, लेकिन अब उसकी वजह से क्या हुआ है, प्राइस बढ़ जाने की वजह से जो कि टैक्स लगाने की वजह से हुआ है, तो अब जो है कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया है। अब कंज्यूमर सरप्लस जो है वो जी जे और जीरो, ये इस तरह से जो ये आपका जो पॉइंट है ये हो गया। इट मींस कि ये जो कंज्यूमर सरप्लस है ये एक्चुअली शिफ्ट हुआ है कहाँ से, जो पहले सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस जो गेन है प्रोड्यूसर सरप्लस का जो गेन है एक्चुअली वो प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस है, यानी कि ये सरप्लस शिफ्ट हुआ है, पहले कंज्यूमर के पास था लेकिन टैक्स लगने की वजह से अब किसके पास आ गया है, प्रोड्यूसर के पास आ गया। उसके अलावा जो है ये जो एरिया है जे एच एन और एम, ये सारा का सारा क्या है, ये आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू किस तरह से, ये देखिए प्राइस है 2, ठीक है, उसके ऊपर डिमांड कितनी है 50,
डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी है 20 की, ये जो जो के पॉइंट से आप देख रहे हैं, तो 20 से लेके और 50 के दरमियान का जो पॉइंट है ये क्या होगा, जाहिर है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन से तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये इम्पोर्ट होके आ रहा है ये, और इम्पोर्ट के ऊपर ये टैक्स लग रहा है। तो अब यह है कि 20 से 50 के ऊपर ये जो टैक्स है, जो कि 30 का डिफरेंस है, 30 के ऊपर जो है ये जो आपने टैक्स लगाया है इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो पूरा जो आपका रेक्टेंगल है ये JHMN, ये आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो इसका मतलब ये है कि दो फायदे हुए इसके अंदर, एक तो ये है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हुआ, और उसके अलावा प्रोड्यूसर सरप्लस में इजाफा हो गया। लेकिन इसमें दो ट्राइंगल और भी हैं, ये किसके पास गए, एक तो CJM, जाहिर बात है कि ये लॉस जो है कंज्यूमर का ये किसका लॉस बना है, और HNB ये लॉस जो है ये किसका लॉस बना है। तो ये लॉस किसी का गेन नहीं बन सका है, बल्कि क्या है ये डेडवेट लॉस है। डेडवेट लॉस किस तरह से है, एक तो इसमें जैसे हमने पढ़ा था इसके ऊपर, ये एक मिनट में दोबारा लास्ट स्लाइड के ऊपर जा रहा हूँ आपको, ये ठीक है ना, रिजल्टिंग इफेक्ट ऑफ टैरिफ, ठीक है ना, इनएफिशिएंसी, ठीक है ना, और प्रोटेक्शन कॉस्ट जो है ये कहला रहा होता है। किस तरह से के, सॉरी ये मैं यहाँ पर था, इसको इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है बिल्कुल इस तरह से, ठीक है ना। मैं इसको बता देता हूँ कि ये क्या है, ये अपनी बुक्स में अगर आप लोग देख लेंगे तो वहां पर वो आ जाएगा किस तरह से कैलकुलेट किया, सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। कि ये जनाब कंज्यूमर सरप्लस है, जिसके ऊपर ये A = $15 लिखा हुआ है, C = $30 लिखा हुआ है, जो कि क्या है ये आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। किस तरह से आया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस कितना है 30 का, और ये जो डिफरेंस है कितना है 1 का है। तो 30 को ये जो इसकी लेंथ है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1 से, तो 30 हो गया। अच्छा जी, इसी तरह से ये जो है इसका 10 और ये 1, 10 को अगर हम ये इस पे मैं देखो, यहाँ सबसे पहले तो ये पॉइंट सी के ऊपर क्या बनेगा, दो हिस्से हो गए ना, कि एक तो ये इसका स्क्वायर है AC × 2×1, 1×10, 10 हो जाएगा, और ये इसका हाफ है, ठीक है। तो 10 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 5 हो जाएगा, तो ये 15, 10 + 5 = 15 हो गया, और ये B = 5, जो कि ये एरिया है ट्राइंगल का जो यहाँ पर इसके साथ मर्ज हो गया, और प्लस ये जाहिर बात है दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो डिफरेंस है 50 और 70 का है, ये कितना है, ये 20 का डिफरेंस है। 20 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से, तो फिर कितना रहेगा 20, लेकिन ये जाहिर है कि ये हाफ ऑफ दी रेक्टेंगल है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो फिर वो 10 रह जाएगा। तो डेड वेट लॉस इसके अंदर जो क्रिएट हुआ है वो 5 और $10, यानी कि $15 का डेड वेट लॉस है इसका, ऐसा लॉस जो कि पहले कंज्यूमर का था लेकिन वो ना गवर्नमेंट को गया है और ना ही वो प्रोड्यूसर के पास गया, तो फिर आखिर कहाँ गया, तो जाहिर बात है कि ये। तो इसमें ये जो है आपका जो सी से लेके एम तक जो B = 5 लिखा हुआ है, इसको हम इनएफिशिएंसी कहते हैं, इनएफिशिएंसी लॉस होता है, और ये वाला जो लॉस है एक्चुअली ये आपका वेलफेयर लॉस जो है वो कहला रहा होता है। किस तरह से वेलफेयर लॉस कहला रहा होता है, कि देखें पहले जो है इसकी डिमांड जो थी, फॉर एग्जाम्पल ये 70 की थी, तो कुछ लोग थे इतनी डिमांड कर रहे थे, लेकिन टैक्स लगाने की वजह से अब वो उस डिमांड वाले कहे पोर्शन पे रहे ही नहीं, इसलिए कि अब वो खरीद ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो डिमांड मार्केट में बिल्कुल नहीं रहे, तो आपने इस तरह से उनके वेलफेयर को क्या किया है, कम कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया है, और ये एक लॉस है जो कि आपका वेलफेयर लॉस कहला रहा होगा, कि जो कि पहले थे लेकिन अब वो नहीं खरीद सकते, अब उनकी परचेजिंग पावर में ये चीज नहीं रही है। अच्छा, इसी तरह से ये वाला जो लॉस है जिसको हम इनएफिशिएंसी लॉस कहते हैं, ये इनएफिशिएंसी लॉस क्या है, जो कि हमने इससे पहले वाली इस वाले में देखा था कि जनाब ये क्या हो रहा है, नंबर सेकंड पॉइंट, फ्रॉम नेशंस प्रोड्यूसर एक्सपोर्ट जो सेक्टर है, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो सारा पहले, क्योंकि हम इम्पोर्ट वाले की बात कर रहे हैं ना, इम्पोर्टिंग का मतलब ये था कि हम बहुत ही कम उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, अब ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमने टैक्स लगा के उसकी कीमत बढ़ा दी है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। तो वो जिसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं और वो एफिशिएंट है, ठीक है ना, एफिशिएंट सेक्टर है कि इसलिए कि वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वो अपने फैक्टर वहाँ से निकालेगा और इस फैक्टर में इसको जो है क्या कहते हैं यूज कर रहा होगा, सिर्फ किस वजह से, कि क्योंकि उसको टैक्स रेवेन्यू के बराबर जो है वो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके को जो है क्या कहते हैं कि अगर कोई एफिशिएंटली कहीं रिसोर्सेज यूज हो रहे हो लेकिन आप उसको जो है किसी भी एक्सटर्नल या किसी भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से उसको शिफ्ट करा दें किसी इनएफिशिएंट सेक्टर के ऊपर,
तो जाहिर बात है उसको हम इनएफिशिएंट या इनएफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी या इनएफिशिएंसी ऑफ द सेक्टर जो है कह रहे होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये आपका जो लॉस है डेट वेट लॉस के अंदर एक इनएफिशिएंसी और उसके अलावा वेलफेयर लॉस जो है ये क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपके कि ये जो है अगर जो परफेक्ट अगर क्या कहते हैं कंपटीशन है तो फिर उसके अंदर जो है क्या सूरत हाल किस तरह से जो है हम ये टैरिफ का एनालिसिस कर रहे होते हैं। राइट, कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं सर। ओके जी, अब ये एक मिनट सिर्फ रह गया इसके अंदर ये लेसन, या वी हैव ओनली हाफ अ मिनट, तो कोई ये अभी थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये, फिर मैं दूसरे पर आता हूँ इसके ऊपर। वैसे ये यूनिवर्सिटी भी बंद होने वाली है, अभी 15 मिनट यहाँ पर रह गए, अगर आपको कहें तो मैं इसको यहीं स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है क्या कहते हैं ये यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं डाल दूंगा अपने, और इसको मैं आपको LMS के ऊपर शेयर भी कर देता हूँ, आप उसके ऊपर सारे क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं उस पर सबके जवाब दे दूंगा। राइट, ठीक ठीक है जी, ओके जी।